हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बालाजी स्टॉक मार्केट में। बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स की। वैल्यू मिलियन में दी गई है। बात करते हैं टोटल इनकम की। बात करते हैं टोटल इनकम की दिसंबर 2023 में 3,45,092 मिलियन, सितंबर 2023 में 3,82,328 मिलियन, यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की 3,01,080 मिलियन, यानी ईयर ऑन बेसिस पे इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। दिसंबर 2023 में 3,04,101 मिलियन, सितंबर 2023 में 3,33,986 मिलियन, यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की 2,71,169 मिलियन, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रॉफिट की। दिसंबर 2023 में 32,068 मिलियन, सितंबर 2023 में 37,860 मिलियन, यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की 24,061 मिलियन, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे तो नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।